नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए ज्ञान से भरी महात्मा बुद्धा की एक कहानी लेकर आई हूँ। गौतम बुद्ध और एक दुखी भिखारी। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों सहित घने पेड़ की छांव के नीचे बैठे थे। आसपास के गांवों से बहुत से लोग अपनी समस्याएं लेकर महात्मा बुद्ध के पास आ रहे थे। महात्मा बुद्ध उन सबकी परेशानियों का समाधान देते। सब लोग खुशी खुशी अपनी समस्याओं का समाधान पाकर वहां से लौट रहे थे। वहीं से कुछ दूर बैठा एक दुखी भिखारी लोगों को बुद्ध के पास जाते देख अपने भाग्य को कोसता हुआ यही सोचने लगा कि अभी कुछ देर पहले तो ये लोग दुखी मन से मुंह लटकाए और महात्मा के पास गए थे, और अब इतना खुश होकर कैसे वापस लौट रहे हैं। आखिर माजरा क्या है, जरा मैं भी जाकर देखूं कि वो महात्मा ऐसा कौन सा खजाना बांट रहा है। इन लोगों को वे इतने प्रसन्न हुए कि उनके चेहरे लाल हो गए। जब वो दुखी भिखारी कुछ नजदीक गया तो उसने देखा कि ये महात्मा तो लोगों को प्रवचन देकर लोगों के दुख का निवारण कर रहे हैं। यह देखकर भिखारी के मन में भी तीव्र इच्छा हुई कि क्यों न मैं भी इन महात्मा को अपना दुख बताऊं, मुझे भी अपने दुख का समाधान अवश्य मिलेगा। बस फिर क्या था, समाधान पाने की लालसा लिए भिखारी महात्मा बुद्ध के सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, हे महात्मा बुद्ध, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मुझे लोगों की मदद करने की बहुत इच्छा है, लेकिन मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास न तो पैसे हैं और न ही कोई ऐसी चीज जिससे मैं किसी की मदद कर सकूँ। मैं कोशिश करने पर भी किसी की मदद नहीं कर सकता। मुझे भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया। हे महात्मा, मुझ पर कुछ कृपा करो। इतना बोलते हुए भिखारी रोने लगा। महात्मा बुद्ध बोले, आप बहुत अज्ञानी हैं, क्योंकि आप अभी तक इस भ्रम में जी रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं, जबकि दूसरों को कुछ देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम बिना धन और वस्तु के भी दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास जुबान है जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर किसी के दुखी चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी के भी टूटते हौसलों को फिर से मजबूत कर सकते हो। इन शब्दों की शक्ति से आप किसी के भी मन में सकारात्मक विचारधारा के बीज बो सकते हैं और उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हैं। तुम अपने दो हाथों से किसी कमजोर या लाचार व्यक्ति की सहायता कर सकते हो। आपकी दो आंखें किसी अंधे को रास्ता दिखा सकती हैं। तुम किसी के लिए दुआ कर सकते हो। यह हो सकता है कि उनके बिगड़े काम फिर से अच्छे हो जाएं। आप किसी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं, लेकिन अज्ञानतावश तुम अब तक इस बात को समझ नहीं पाए और इस भ्रम में अब तक जीते रहे कि तुम्हारे पास मदद करने के लिए कुछ नहीं। किसी की मदद करने के लिए धन और वस्तु का होना अनिवार्य नहीं है। बिना धन और वस्तु के भी हम कई प्रकार से लोगों की मदद कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के ज्ञान से भरे ये सुंदर शब्द सुनकर भिखारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह खुशी से झूमता हुआ वहां से चला गया। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध की इन बातों से हमने बहुत कुछ सीखा। आजकल बहुत से लोग यह सोचकर दुखी होते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, बल्कि जो आपके पास है उसी में संतुष्ट रहना सीखें और बिना मतलब के लोगों की मदद करें। इन्हीं से आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, यह बुद्ध मोरल स्टोरी आपको कैसी लगी जरूर बताना।